नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल रेलवे ज्ञान में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्रयागराज मंडल के इंजीनियरिंग विभाग में LEC JEE एग्ज़ाम दिनांक 1 अक्टूबर 2022 को हुआ था, जिसमें पार्ट वन वीडियो आप लोगों को हम प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें 1 से लेकर 55 क्वेश्चन कराया गया था। और ये सेकेंड पार्ट है जिसमें 56 से लेकर 110 क्वेश्चन तक कराया जा रहा है, जो कि आज फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस डिवीज़न का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें गलत उत्तर के लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। की मैन ऑब्लिक मेट ऑब्लिक PWI के लिए रिफ्रेशर पाठ्यक्रम की आवृत्ति 1 बार में है। तो दोस्तों की मैन मेट और PWI को 5 वर्ष में 1 बार रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराया जाता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ए रूट कर्व ट्रैक में रेल नवीकरण के लिए लैटरल वियर की सीमा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन सी 8 mm। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 60 kg रेल नवीकरण के लिए वर्टिकल वियर की सीमा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन डी 13 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59। डबल सेक्शन में रेल डॉली को, ये ड्रॉली नहीं है डॉली है, को खाली स्थान मीटर पर एक फ्लैगमैन द्वारा सुरक्षित किया जाएगा, जिस दिशा से गाड़ी आ सकती है। और सिंगल लाइन सेक्शन में रेल डॉली को खाली स्थान मीटर पर 2 फ्लैगमैन द्वारा दोनों दिशा में सुरक्षित किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1200 मीटर, ठीक है। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सामग्री ट्रेन में सकुशल संचालन हेतु निम्न पद से नीचे एक योग्य इंजीनियरिंग अधिकारी को ट्रेन में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी JEE। इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी एक ब्लॉक सेक्शन में एक समूह में कितनी रेल डोलियां काम की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 रेल डॉली एक ब्लॉक सेक्शन में एक समूह में काम की जा सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर। बकलिंग की आपातकालीन मरम्मत किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में की जा सकती है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा JEE, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सुपर एलिवेशन या कैंट की वैल्यू को कहां पर दर्शाया जाना चाहिए, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वक्र के आंतरिक रेल के वेब के अंदर की सतह पर। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। IRPWM के अनुसार अग्रणी स्ट्रेचर बार के शीर्ष और स्टॉक रेल के नीचे के बीच का अंतर होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.5 mm to 5 mm। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। LWR CWR में स्लीपर के आकस्मिक नवीकरण के दौरान निम्न में से किससे अधिक नहीं बदला जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी लगातार 30 स्लीपरों में 1 स्लीपर। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फ्लोटिंग कंडीशन में माप के अनुसार स्ट्रेट ट्रैक पर गेज की सीमा होगी, तो दोस्तों फ्लोटिंग कंडीशन में स्ट्रेट एंड रेडियस 350 मीटर इससे अधिक रहता तो उसके लिए -5 से +3 mm हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दिया गया है। इसमें पूछ रहा है फ्लोटिंग कंडीशन में माप के अनुसार स्ट्रेट ट्रैक पर गेज की सीमा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -6 mm से +6 mm, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ट्रैक में हॉग ड्रेल इंड की हॉक की सीमा को नापने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए रेल की सतह पर एक मीटर लंबा सीधा किनारा। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दूर के बोल्ट के साथ जॉगल फिश प्लेट एटी वेल्ड पर उपलब्ध कराई जाएगी जिसने इसके बराबर या उससे अधिक जीएमटी कैरी की हो। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेल के निर्धारित फटिंग लाइन जीएमटी का 50%। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, LWR CWR के TD पर डी स्ट्रेसिंग के समय ACJ पर गैप रखा जाता है। तो दोस्तों इसमें डी स्ट्रेसिंग की बात हो गई तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40 mm। ठीक है, इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक गैंग को दी गई गैंग डायरी में कार्य का कार्यक्रम JSSC PA द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, PSC स्लीपरों के साथ बिछाए गए संपारों की मरम्मत की जानी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 साल में, और PSC स्लीपर का बात नहीं रहता तो 1 साल हो जाता। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सभी संपारों पर यातायात की अवधि गणना प्रत्येक बार एक बार की जाएगी। तो दोस्तों ये सेंसस का बात हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 साल में एक बार। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, JSSC PA के लिए दृश्य चिकित्सा परीक्षा मानक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी A3। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ट्रैकमैन या गेटमैन के लिए गेटमैन के रूप में कार्य करने के लिए योग्यता अनुमति जारी करने के लिए निम्नतम अधिकृत स्तर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी SSC PA इंचार्ज, निम्नतम अधिकृत स्तर SSC PA इंचार्ज हो गया है। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 60 kg SH यानी कि सेकेंड हैंड रेल पर वेल्डिंग के लिए अनुमत वर्टिकल वियर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 9 mm। और 76 में पूछ रहा है 60 किलो सेकेंड हैंड रेल पर वेल्डिंग के लिए अनुमत लैटरल वियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 mm। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेल जोड़ के वेल्डिंग के लिए रेल के सिरे से खाली स्थान mm तक कोई होल नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40 mm तक कोई होल नहीं होना चाहिए। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 60 kg रेल की हाइट यानी ऊंचाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 172 mm। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 52 kg रेल में फिश प्लेट के बोल्ट होलों के बीच की दूरी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 166 mm। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नई दिल्ली हावड़ा राजधानी रूट खाली स्थान वर्ग पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ग पर। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्रॉड गेज में मालगाड़ी वैगन में फ्लैट टायर की अनुमति लिमिट है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60 mm। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब ART को यार्ड से बाहर कार्य करने जाना हो तो 45 सेकेंड के अलार्म 5 सेकेंड के अंतराल से कितने बजाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। ठीक है, इसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब दुर्घटना स्थल पर ART एवं ARME दोनों की आवश्यकता हो 45 सेकेंड के अलार्म 5 सेकेंड के अंतराल से कितने बजाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 बार। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ट्रेन पार्टिंग होने पर दिन में खाली स्थान हिलाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरी झंडी सर से पांव तक तेजी से। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ट्रेन पार्टिंग होने पर रात में खाली स्थान हिलाएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सफ़ेद बत्ती ऊपर नीचे तेजी से।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर देखेंगे। ब्रॉड गेज में रेल फ्रैक्चर होने पर एक पटाखा फ्रैक्चर से कितना मीटर दूर पर चाबी वाला लगाएगा? तो दोस्तों पहला पटाखा 600 मीटर की दूरी पे और दूसरा पटाखा 10-10 मीटर के अंतराल पर, तीन पटाखा 1200 मीटर की दूरी पे। इसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्रॉड गेज में रेल फ्रैक्चर होने पर तीन पटाखे फ्रैक्चर से कितने मीटर दूरी पर चाबी वाला लगाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1200 मीटर। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पुराने प्रकार के पॉइंट के मामले में टॉपर स्विच कर खुला हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 115 प्लस माइनस 3। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। TWS पॉइंट के मामले में टॉपर स्विच का खुला हो, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 160 प्लस माइनस 3, यानी कि 157 भी हो सकता है और 163 भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर देखेंगे दोस्तों। फॉर्मेशन क्रॉस स्लोप 1:30 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर। क्रॉसिंग की नोज विंग रेल पर अधिकतम अनुमेय घिसाव कितना एमएम है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 एमएम। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाइट गेज गेट पोस्ट से कम कितना मीटर की दूरी पर होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 8 मीटर की दूरी पर। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। LC गेटमैन की मेडिकल कैटेगरी खाली स्थान होनी चाहिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी LC गेटमैन यानी लेवल क्रॉसिंग गेटमैन की मेडिकल कैटेगरी है A3 होनी चाहिए। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। LWR ट्रैक में डीप स्क्रीनिंग कार्य के लिए पर्यवेक्षक का अधिकृत स्तर कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी PWI, ठीक है। इसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्रॉड गेज में चेक रेल सामान्य रूप से प्रदान की जानी चाहिए जहां त्रिज्या 218 मीटर या उससे कम हो, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्रॉड गेज सिंगल लाइन के लिए एम्बैंकमेंट के अनुशंसित न्यूनतम चौड़ाई, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6850, ठीक है। अगर एम्बैंकमेंट नहीं रहता तो इसका सिंगल लाइन के लिए 7850 हो जाता, ठीक है। इसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गार्ड रेल की शीर्ष तालिका चलाने वाली रेल की तुलना में कितना एमएम से अधिक कम नहीं होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25 एमएम से अधिक कम नहीं होनी चाहिए। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। PWI को सभी गश्ती दल और चौकीदारों के उपकरणों की कितने महीने में एक बार जांच करनी चाहिए? तो दोस्तों PWI को सभी गश्ती दल और चौकीदारों के उपकरणों को एक महीना में एक बार जांच करनी चाहिए। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। LFP का अधिकतम संचय कितना दिन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 300 दिन। इसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक बार में अधिकतम दिन LFP का लाभ उठाया जा सकता है, तो कितना दिन? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 180 दिन, ठीक है। अब हम लोग राजभाषा से हिंदी से क्वेश्चन देखेंगे। 101 नंबर क्वेश्चन। भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवनागरी लिपि में हिंदी। 102 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 सितंबर। 103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राजभाषा नियमों के अनुसार अंडमान किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार जो है ए क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 104 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्र बी के अंतर्गत कौन से केंद्र शासित प्रदेश वर्गीकृत है? तो दोस्तों चंडीगढ़ भी आता है, दमन और दीव भी आता है, दादर और नगर हवेली भी आता है, यानी डी इज द करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी।
105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 343 से 351 है जिसमें राजभाषा के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 17। 106 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान में संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 भाषाओं को। 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राजभाषा नियम कब पारित हुआ? तो 1976 में पारित हुआ था, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कितने हिंदी पाठ्यक्रम केंद्रीय सरकार के लिए निर्धारित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। ठीक है, इसके बाद 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो केंद्रीय सरकार के लिए निर्धारित प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम है, कर्मचारियों खाली स्थान, तो यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा प्रबोध, प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम प्रबोध है। इसके बाद 110 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो दोस्तों भोजपुरी जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे जो LDC JPO एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप लोगों को ऐसा वीडियो कंटिन्यू मिलते रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।